रूहुल बयान तफसीर में लिखा है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे, एक बकरा गाय जाएगी जिसको ज़िबा करने का मूसा अलैहि सलाम को हुक्म हुआ था, यूनुस अलैहि सलाम की हूत मछली, अलकिबश इस्माइल अलैहि सलाम का उनकी जगह जो मेंढा ज़िबा हो गया था वो भी जन्नत में जाएगा, अजल इब्राहिम अलैहि सलाम का जिसको वो भून के लाए थे फरिश्तों को खिलाने के लिए, नमला सुलेमान इस्लाम के लश्कर को देखकर जिस चींटी ने बात की थी, अन्नमल अय्यतो हन्नमल दुखुलु मसाकिनकुम, वो चींटी भी जन्नत में जाएगी। हुदहुद जिसने सुलेमान इस्लाम से गुफ्तगू की थी वो परिंदा भी जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम की नाका ऊंटनी भी जन्नत में जाएगी और नबी अलैहिस्सलाम की नाका भी जन्नत में जाएगी और उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा और 10वां असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अब जरा गौर कीजिए वो क्या मंजर होगा कि ये जानवर तो जा रहे हैं जन्नत में और जिसको अल्लाह ने आंखें दी, दिल दिमाग दिया, नेमतें दी, वो इंसान अपनी गफलतों की वजह से जहन्नम में। अगर उस वक्त गधे ने ये कह दिया ए इंसान तू मुझे बेवकूफ समझता था ना, गाली भी देनी होती थी किसी को बेवकूफी की तो गधा कहता था, आज वो बेवकूफ तो जा रहा है जन्नत में, तू कहां का अकलमंद निकल आया कि तू जहन्नम में। मा जाकुम नजीर, डराने वाला नहीं आया था, कहेंगे डराने वाला तो आया था, लव कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सई, अगर हम सम सुनते हमारे अकल की रत्ती होती हमारे पास तो हम फिर जहन्नम में न जाते। इसका मतलब यह कि हम सुनते नहीं सोचते नहीं, और गधे की बात तो एक तरफ रख दें, अगर असहाबे कहफ के कुत्ते ने उस वक्त कह दिया कि तुम तो मुझे जिल्लत की नजर से देखते थे ना, और मेरा नाम तो गाली था ना, और मेरी हालत तो ये थी तुम खुश्क टुकड़ा खिलाते थे मैं तुम्हारा दर नहीं छोड़ता था, और तुम्हें जो परवरदिगार रोज नेमते खिलाता था तुम्हें उसका दर याद नहीं आता था, मैं एक रोटी की खातिर तुम्हारे घर का सारी रात जाग के पहरा देता था और तुम अपने रब की इबादत के लिए रात को दो नफल पढ़ नहीं सकते थे। कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा और ये हजरत इंसान गफलत की जिंदगी गुजारने के बाद जहन्नम में जा रहा, चे जाए कि वो वक्त आए जब इंसान हसरत करे और उसका इलाज कोई ना हो। हमें चाहिए कि आज हम इसकी हकीकत को समझें और जिस तरह रूह को अपने जिस्म को गिजा पहुंचाने के लिए फिक्रमंद हैं, हम अपनी रूह को भी गिजा पहुंचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं।